यूट्यूब ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। देश और प्रदेश में महिलाओं के साथ हो रही गैंगरेप और हत्या मामले ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। देश के अलग अलग राज्यों में कैंडल मार्च और रोष प्रदर्शन किए जा रहे हैं। वहीं हरियाणा के नूह में बीते साल करीब 50 मामले गैंगरेप पॉस्को एक्ट के खिलाफ दर्ज किए गए, जिनमें से दर्जन भर से अधिक मामलों को गलत पाए जाने के कारण रद्द कर दिया गया। इस मामले में नूह एसपी नाजनीन भसीन ने बताया कि इन केसों में 4 केस ऐसे थे जिनमें बच्चियों की उम्र महज 8 साल थी। आपको बता दें कि एसपी ने यह भी बताया है कि सभी पुलिस अधिकारियों को सख्त हिदायत दी गई है कि उनके इलाके में अगर इस तरह के अपराध होते हैं तो तुरंत कार्रवाई की जाए। वहीं पुलिस के अलावा अगर बात की जाए एनजीओ या फिर समाज की, तो मेवात में अमन बिरादरी एनजीओ पीड़ितों को इंसाफ दिलाने के लिए लोअर कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक मदद देती है। इसके अलावा मॉब लिंचिंग, मारपीट, एनकाउंटर इत्यादि की घटनाओं में भी पीड़ित परिवारों की मदद की जाती है।